बनना तो चाहते थे जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये बन गए बॉलीवुड के एक ऐसे प्रेम जिन्हें आज सभी प्रेम करते हैं। बॉलीवुड के सबसे दबंग स्टार नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान, जिन्हें हम सलमान खान के नाम से जानते हैं। भाईजान के नाम से पहचाने जाने वाले सलमान ने अपने करियर और फिल्म लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सलमान के बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते हों। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 27 दिसंबर 1965 को, जब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सलमान खान का जन्म हुआ। पिता सलीम खान इंदौरी पठान थे और माँ सुशीला चरक महाराष्ट्रियन हिंदू थी, जो बाद में सलमा खान बनी। इन दोनों के ये सबसे बड़े बेटे हैं। इनके दो छोटे भाई हैं अरबाज खान और सुहेल खान, बहन अलवीरा खान और अर्पिता खान। अर्पिता को सलीम खान ने गोद लिया है। इसके अलावा इनकी सौतेली माँ भी है, जिनका नाम है हेलन। बात करें अगर इनकी शिक्षा की, तो इनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट स्टॉनली हाई स्कूल मुंबई से हुई। ये ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में भी पढ़े और फिर ये एल्बिस्टन कॉलेज पहुँचे। दरअसल सलमान ने सिर्फ 12th तक ही पढ़ाई की है। उन्होंने कॉलेज ज्वाइन तो किया था, लेकिन डिग्री पूरी होने से पहले ही उन्होंने कॉलेज छोड़कर फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। सलमान खान अपने करियर के शुरुआत से ही एज अ राइटर और डायरेक्टर काम करना चाहते थे और उन्हें 1988 फिल्म फलक में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका भी मिला। भले ही भाईजान आज करोड़ों दिलों पर राज करते हैं और लगभग उनकी सारी फिल्में सुपरहिट रहती हैं, लेकिन सलमान ने एक्टर बनने का कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें उनकी पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी बाई चांस से मिल गई थी। हुआ यूं, जेके बिहारी जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उनके पास एक यंग एक्टर के लिए रोल था, पर कोई भी उस रोल के लिए ऑडिशन देने नहीं आया। और जब सलमान उनसे असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मांगने गए, तो डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म में एज ए एक्टर ले लिया। सलमान ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी और इस तरह उनकी बॉलीवुड में एज ए एक्टर एंट्री हुई। यही वजह है कि आज सलमान खान नई नई एक्टर्स को फिल्मों में चांस देते नजर आते हैं। उनका कहना है कि मुझे भी एक वक्त पर किसी ने चांस दिया था, उसी की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। बहुत सारे हीरो को सलमान ने मेंटोर्स किया है, चाहे वो ऋतिक रोशन हो या अर्जुन कपूर। संजय लीला भंसाली और हिमेश रेशमिया जैसी हस्तियां अगर फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो वो सलमान की ही बदौलत है। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया तो यही कहते हैं कि ऊपर भगवान और नीचे सलमान। सलमान बॉलीवुड में आज जिस मुकाम पर है, वो उन्होंने खुद हासिल किया है। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में कभी भी अपने पिता के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें कहते थे कि तुम सबको बताया करो कि तुम सलीम खान के बेटे हो, इससे तुम्हें जल्दी काम मिलेगा। लेकिन सलमान और उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर वो वक्त आया जब राजश्री फिल्म के सूरज प्रजातिया अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया बनाने जा रहे थे और सलमान खान को साइन कर चुके थे। सलमान खान ने खुद सूरज प्रजातिया को कहा कि आप मेरी फिल्म बीवी हो तो ऐसी देख लें, मुझे लगता नहीं कि मैं आपकी फिल्म का हीरो बनने लायक हूं, मुझे अपना काम खुद पसंद नहीं आ रहा। तो सूरज प्रजातिया साहब ने वो फिल्म देखी और कहा कि सलमान आप ही मेरे फिल्म के हीरो होंगे और फिल्म मैंने प्यार किया ने इतिहास रच दिया। शुरुआत जरूर इन्होंने रोमांटिक मूवी से की, लेकिन एक्शन मूवी में भी इनकी एक्टिंग का जवाब नहीं। जब भी पारिवारिक फिल्मों की बात आती है, तो सलमान खान का नाम सबसे पहले लिया जाता है, चाहे वो फिल्म मैंने प्यार किया रही, कि हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं या प्रेम रतन धन पायो। सलमान के सारी फिल्में ऐसी होती है कि आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। सलमान की कॉमेडी फिल्मों की बात करें, तो सलमान और आमिर की फिल्म अंदाज अपना अपना को कौन भूल सकता है। बात करें अगर सलमान की सबसे संवेदनशील फिल्मों की, तो तेरे नाम मूवी में सलमान खान की एक्टिंग लोगों के जहन में इस कदर बस गई कि इस फिल्म के गाने के साथ साथ सलमान का हेयर स्टाइल भी काफी फेमस हो गया था। सलमान खान के जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब बहुत सारी हीरोइनों के साथ इनका नाम जोड़ा गया, चाहे संगीता ब्रिजलानी रही हो कि सोमी अली। लेकिन ऐश और सलमान का रिश्ता बॉलीवुड गलियारों में इतना फेमस हुआ कि इनके ब्रेकअप की कहानी भी लंबे समय तक सुर्खियों में बनी रही। सलमान भाई को प्रेम तो हुआ, लेकिन इस प्रेम का विवाह नहीं हो पाया। सलमान के जिंदगी में बुरा वक्त भी आया जब सलमान खान लंबे समय तक विवादों से घिरे रहे, चाहे वो रोड एक्सीडेंट रहा हो या फिर ब्लैक बब केस।
अपडेट्स। सलमान खान ने प्यार किया तो डरना क्या में बिना शर्ट के बाइसेप्स और सिक्स पैक दिखाने का रिवाज क्या शुरू किया। आमिर खान और शाहरुख खान भी इस कतार में लग गए। सलमान न सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि वे एक अच्छे पेंटर भी हैं। उनकी कई पेंटिंग्स आमिर खान ने खरीदी हैं और यही नहीं उन्होंने जय हो का पोस्टर भी खुद ही पेंट किया था। इसके अलावा सलमान खान एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। उन्होंने चंद्रमुखी, बागी और वीर फिल्म की स्टोरी खुद ही लिखी है। सलमान खान का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है। हाल ही में चल रहे द कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर भी सलमान भाई ही हैं। सलमान खान के फैंस को ये बात जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान को डायलेटेड नेसल सेप्टम है जिनकी वजह से उनकी नोज 80% ब्लॉक रहती है। इसी इशू की वजह से सलमान कम से कम रनिंग सीन्स करते हैं और उनकी जगह डुप्लीकेट को यूज किया जाता है। एक्टिंग के साथ साथ सलमान खान एक अच्छे इंसान भी हैं। वे दिल खोलकर चैरिटी भी करते हैं। वे अपने इनकम में से सिर्फ 10% को ही हाथ लगाते हैं, बाकी उनका 90% इनकम चैरिटी में जाता है। उन्होंने 2007 में बींग ह्यूमन नाम का एक NGO भी खोला। हेल्थ और एजुकेशन फील्ड में लोगों की मदद करना है। सलमान खान को मैंने प्यार किया के लिए बेस्ट डेब्यूटर और कुछ कुछ होता के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, लेकिन उनके 30 साल के करियर में उन्हें कभी भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला है। सलमान का कहना है कि मेरे फैंस का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड है। सलमान ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक कई जबरदस्त फिल्में दी हैं, जिनमें से एक एक का जिक्र कर पाना मुमकिन ही नहीं है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।